भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। छात्र 75% अटेंडेंस के रूल का विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से आश्वासन नहीं देने पर NSUI और ABBP दोनों समर्थन में आ गए हैं। बीटेक के छात्रों ने बताया है कि फाइनल ईयर में सभी स्टूडेंट्स का फोकस प्लेसमेंट पर होता है, कई बार क्लासेस की टाइमिंग से इंटरव्यू होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस मेंटेन करना संभव नहीं है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन स्टूडेंट्स का सहयोग करे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस के रूल को वापस लिया जाए। मामले में मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सनी मालविया ने। आपको बता दूं कि 75% जो अटेंडेंस को लेकर जो मैनेट प्रबंधन ने जो आदेश निकाला है उसको लेकर अब जो मैनेट के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कर भी मैनेट के छात्राओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी अभी जो मैनेट के प्रबंधन ने उनसे बातचीत नहीं हुई। उनका कहना है कि जो आदेश निकाला है वो बिल्कुल गलत आदेश है, इससे हजारों छात्रों का जो परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं और लगातार वो प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इसको समर्थन में अब जो कांग्रेस की NSUI विंग है वो भी अब छात्रों के समर्थन में उतर गई है और उनका साफ तौर से कहना है कि यदि छात्रों की मांग पूरी नहीं की गई तो सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं जो मेरिट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे, अभी आपकी प्रबंधन से कोई बातचीत हुई? इतने दिन से नारेबाजी कर रहे। हमारी बातचीत हुई थी पर हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई तो हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग ये हमारी मांगे ऐसी है कि जो मिनी टेस्ट होते हैं उसमें 75% का रूल लगाया गया है, लेकिन 75% का रूल लगता है एंड टर्म में। हमारी अभी इंटर्नशिप सेशन चल रहे थे, थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट सेशन चल रहे हैं, तो ये सब चीजें जब चल रही थी तो उस चक्कर में हम क्लास नहीं जा पा रहे थे। पानी भी बरस चुका था, तबीयत भी खराब थी बहुत लोगों की, तो ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिसकी 75 से कम है उसको एग्जाम ही नहीं देने दे रहे, तो उसके ग्रेड भी डाउन हो जाएंगे, उसे एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे प्रबंधन से आपकी बातचीत हुई है अभी कुछ? उन्होंने बोला है कि आज से 100% अटेंडेंस दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं गई कही तो प्रबंधन ने आगे और आपका क्या एक्शन होगा? यही एक्शन है कि ये आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। देख सकते हैं छात्रों का साफ तौर से कहना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। यूआई जब आई थी उनका समर्थन वापस किया, उन्हें भगा दिया गया। अभी विद्यार्थी परिषद आई है, आप देख सकते हैं सारे छात्र बाहर निकलकर हमारे समर्थन में आ गए। विद्यार्थी परिषद पहले से ही, पिछले साल भी हमने प्रदर्शन किया था, अभी भी हम उनके साथ हैं, आखिरी तक साथ में खड़े रहेंगे। जिन लोगों की मांग है, इन लोगों को 600 छात्रों को डिटेन कर दिया गया है। किस वजह से किया है? कि उनका 75% का अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। हम उस क्राइटेरिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध इस बात का है कि इन लोगों ने जो कैंपस प्लेसमेंट किया है वो बीच सेशन में आयोजित किया था, जिसको बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैंपस के लिए तैयारी करते हैं, प्लेसमेंट में जाकर के बैठते हैं जिसमें उनका प्लेसमेंट होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे NS 24/7। नमस्कार।